हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा न्यू टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बराबर की क्या हुई है, शेयरिंग, और उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बने हैं वो क्या होंगे आपके, कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अच्छा, जो बीच में शेयरिंग होती है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच में, एटम्स के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो शेयरिंग होती है वो ऑलवेज पेयर्स में होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड। नेक्स्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर का मतलब जिसपे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी ना हो, वो नॉन पोलर होते हैं और वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड, उनके अंदर 100% कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। जो पोलर बॉन्ड होते हैं उनमें 100% में 50% कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल से जानते हैं ये होते कैसे और इनको कैसे फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम नॉन पोलर की बात करते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के ढेर सारे एग्जांपल हैं, Cl2, O2, N2, H2, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के। आइए देखते हैं, सपोज ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम है, कितने क्लोरीन एटम है यहाँ पे, दो। अब इनके शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दूसरे क्लोरीन एटम में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस क्लोरीन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले क्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेगा। अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम ऐसे ही दूसरा क्लोरीन एटम भी, इसके पास कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये क्या करेगा, दूसरा क्लोरीन एटम भी इसको दिया है, इसलिए ये भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा। जितना ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ शेयर करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ये एटम भी इस क्लोरीन एटम के साथ शेयर करेगा। तो अब ओवरऑल शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम आपस में क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, और क्या है ये, कोवेलेंट बॉन्ड। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, ये डुप्लेट कंप्लीट करता है, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन पाकर अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो सेम ऐसे ही अदर एटम भी क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉनों को लेगा, और इसमें क्या है, बराबर की शेयरिंग हुई है, तो ये कुछ इस तरह का बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन बॉन्ड्स में 50% कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज हमारे पास N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इसका भी 1, 2, 3, 4, 5। बेटा इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए, 5 इसके पास है, अभी इसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सेम यही काम ये वाला भी एटम करेगा, ये इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर किए हैं,
तो ये एटम भी इसके तीन इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा। आप देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कितनी शेयरिंग हुई है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा और एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर वो कैसे बनेगा, 1, 2, 3। और ये भी क्या है, ये 100% कोवेलेंट कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। अब आइए कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सपोज हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ले लें, जैसे हमने लिया HCl। बेटा क्या है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इस पे हल्का सा चार्ज जनरेट होता है। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे 10th क्लास में आ जाता है, तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ से मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ये क्लोरीन एटम है, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, शेयरिंग। तो अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। अब आई बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब देखते हैं क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा, Cl। ओके, लेकिन ये कैसा एग्जाम्पल है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, इसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पाया जाता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो हम लेते हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मीथेन। ओके, ये भी क्या है आपका, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। इसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं जिससे हमको पता चले। अब हाइड्रोजन क्या है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, तो इसके पास थे ही, 1, 2, 3, 4, इसको 4 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो अब मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, इक्वली शेयरिंग हुई है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो स्टेबिलिटी पाने के लिए फॉर्म होते हैं। और आज हमने इस लेक्चर में क्या जाना, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की इक्वली शेयरिंग होती है, दो एटम्स के बीच में आपस में क्या होती है, इक्वली शेयरिंग होगी। अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जो इनको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी बोलते हैं, ये दो तरह के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, बट जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता है। थैंक यू।